क्या ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। राम रहीम नानक तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से ज्यादा गर्म है। ये चमचे पतीले से ज्यादा गर्म है। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की मीनारे तोड़ो कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। तो बस गाजर मूली कितना काटा जा रहा है, लेकिन इनको मालूम नहीं हम रात की रानी की तरह है, जूही की तरह है। हम मुसलमानों को जितना काटा जाएगा हम रात की रानी की तरह उतने ही महकते रहेंगे, उतने ही बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हम और किसी से नहीं डरते हैं। कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। अभी इस वक्त गजा में बमबारी हो रही है, आज मैंने देखा 40 बच्चे मारे गए। दुनिया खामोश है, अरब खामोश है, दुनिया की और कंट्री 57 कंट्री है हमारी मुसलमानों की, जो चुप है खामोश है। आखिर सवाल क्या है? मेरे पास तो जवाब नहीं है। आप लोगों के पास जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब मैं क्या दूं? बोलने के बाद ये मेरे पास कोई जवाब नहीं बचा है। ये वाहिद एक तन तना अकेला ईरान जो जवाब दे रहा है इजराइल को, बाकी तमाम दुनिया की कंट्री मुसलमानों की कंट्री खामोश बैठी हुई है। और खास करके अरब कंट्री जैसे लग रहा है उनके कान में जूई तक नहीं रेंग रहा है, वो चुपचाप सो रहे हैं जैसे लग रहा है। और हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं। हम और यहाँ के जो हिंदुस्तान के रहने वाले उलमा हजरात हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जोर अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग सिया सुन्नी तबलीगी जमात जमातुल हिंद जमातुल उलमा हिंद और जितने फिरके के लोग हैं, इन तमाम लोगों को एक मंच में आना चाहिए। ये मेरी दरख्वास्त है उन लोगों से। अब भी ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों तक। ये मैंने नहीं कहा था, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक होना होगा। अभी आपने कुछ दिन पहले योगी जी का फरमान सुना था, उन्होंने बाजाबता मैच पे कहा था हिंदुओं से कि बटोगे तो कटोगे। तो मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, दुनिया के मुसलमानों को, कि वक्त आ गया है तमाम जो फिरके हैं उसको उठाकर बुलाए, ताक रखिए और एक जगह जमा होकर फलस्तीन का साथ दीजिए। वरना इसराइल एक एक करके अमेरिका और इसराइल मिलकर मुसलमानों को ख़त्म कर देगा। ये अमेरिका की साजिश है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। हाजी साहब, आप देखेंगे कि आज जो हेड स्पीच दे रहे थे स्वामी नरसिम्हानंद की जो है, आज देखिए नित्यानंद स्वामी जो है ये मर्दूद आदमी है, ये आज कोई नया बात नहीं है। इससे पहले भी उसने बहुत ही गुस्ताखे रसूल के बारे में, मुसलमानों के बारे में बेपनाह अनशन बातें की हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला मुसलमान इस वक्त यूपी के जो मुसलमान हैं, खास करके हिंदुस्तान के रहने वाले जो मुसलमान हैं, वो डरे हुए कहीं ना कहीं, सहमे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हम और किसी से नहीं डरते हैं। क्या मरकजी हुकूमत का ये सोची समझी साजिश है कि इस तरह से हेट स्पीच करते हैं वो बराबर रहकर नहीं, वो मुस्लिम को लड़ाते हैं बराबर ना, उनको मोदी जी कुछ बोलते हैं ना योगी जी कुछ बोलते हैं। इन लोगों का एक ही मकसद है कि तुम मुसलमानों को गाली देते रहो और हमारा हिंदू वोट बढ़ता रहे, यही साजिश है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले हरियाणा में हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में होने वाला है, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, मुसलसल मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौलाना अजहरी साहब तो और भी एक मौलाना उससे पहले से बंद है, लेकिन मौलाना अजहरी साहब के बारे में भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। अरे अभी आपको मैंने देखा था, एक डॉक्टर साहब से मुलाकात आपने किया था, डॉक्टर कफील साहब भी बंद थे जी। अभी छोड़ा गया उनको कुछ दिन पहले, तो उनकी किताब रिलीज हुई, आप लोगों को मैंने देखा था। तो मैं कहना चाहता हूँ इस तरह से बहुत मुसलमानों के ऊपर टारगेट बना हुआ है, हो सकता है कल मेरी बारी हो सकता है कल आपकी बारी आ जाए, मतलब
इन लोगों के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप टारगेट में आ गए। लेकिन मैं झुन्नू अंसारी टंकी की चोट पर दिल ठोक कर सीना ठोक कर इनका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं है इंशाल्लाह ताला। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुसलमान है, एक इंसान है। हम लोगों ने कभी नफरत की बातें नहीं की। क्या आपको डर नहीं लगता मोदी सरकार से? हमको उनके बाप से भी डर नहीं लगता है। हमको किसी से डर नहीं लगता है। आप डरने की जरूरत क्या? ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो? हिंदू के घर में आग खुदाने लगाई हो? राम रहीम नानक तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से ज्यादा गर्म है। ये चमचे पतीले से ज्यादा गर्म है। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की मीनारे तोड़ो कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। हजरात, ये धरती हमारी है, यह हिंदुस्तान हमारा है। और कोई भी फजूल चीज यहाँ का मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो स्वामी नंद नित्यानंद हो और चाहे प्रदिया खा ठाकुर हो, जैसे ये जितने लोग हैं इनसे इन लोग से हम लोग को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग भी कम तादाद में नहीं है। ये और बात है, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। अभी हम लोग खामोश हैं इसका मतलब नहीं है कि हम लोग डर रहे हैं। एक दिन आएगा कि हर लोगों को रोड पर आना होगा, हर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रास्ते पर उतरना पड़ेगा। आपने देखा है दुनिया जब जवाल की तरफ जाती है, जब जुल्म बढ़ता है, तो वो हुकूमत कोई सी की भी हुकूमत हो उसको ख़त्म किया जाता है, उसको ख़त्म होना पड़ता है। कहीं ना कहीं हाजी साहब, ये दुनिया जो है आज तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही है, वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है, आपका कहने का मतलब है? तो देखिए, आपको पहला बता दे रहे हैं, ईरान को मेरा सलाम, हिज़्बुल्लाह को ये लोग आतंकवादी कहते हैं उसको मेरा सलाम, मैं उसको आतंकवादी नहीं समझता हूँ। ये लोग समझते होंगे। हमास को क्या समझते हैं? हमास को हम क्या समझे? हमास मेरा भाई है, वहां का रहने वाला मेरा भाई है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, चाहे वो दुनिया में कहीं रहता हो। इस तरह मजम्मत होनी चाहिए, इस तरह मजम्मत नहीं दिख रहा है उसके लिए क्या? हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमारे सुन्नी उलमा की उखामों से मेरी समझ से बाहर है। सुन्नी उलमा को भी सामने आना चाहिए। आप सिया को कहते हैं वो राजवी कौम है, आप सिया को कहते हैं वो फलाना कौम है। आज राजवी कौम तो लड़ रही है, आज वही कौम तो बचाए हुए है फलस्तीन को। आज अगर वो नहीं लड़ती तो मस्जिद अक्सा को कब इजराइल तोड़कर बिस्मार कर देता? इसमें कोई दो राय नहीं था, कोई दशक नहीं था। इसराइल जो प्लानिंग में है, ईरान से अगर टकराया तो बात भी सुन लीजिए खूब साफ, इसराइल का नामों से निशान नहीं बचेगा। ये जंग आखिरी जंग होगी मुसलमानों की, ये बात याद रखिएगा। सरकार की पुलिस को क्या कहेंगे जिस तरह से नित्यानंद को ले गई या फिर छोड़ दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो होना था, चार घंटे बाद वो बहुत से लोगों को ले जाती है और छोड़ देती है। ये यूपी का जब तक योगी सरकार वहाँ पर मौजूद है ऐसा चलता रहेगा। ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगी? आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसे लोगों के घर में बुलडोजर चलता तो सबसे पहले तो योगी के घर में चलना चाहिए था। है आप ले जा रहे अतीक को मार दिए, पुलिस के साथ पहरे में रख कर पुलिस के पहरे में अतीक को शूट करवा दिए। है आप ले जा रहे हैं मुख्तार अंसारी को जेल में रख कर उसको जहर देकर मरवा दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुख्तार अंसारी खुद कहा अपने भाई से कि मुझे जहर दे दिया गया। बोलिए, मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ही होता है ये दौरे तबाही है, ना अदालत हमारी है, ना हुकूमत हमारी है, ना लोग हमारे हैं। हम लोगों को तो बस गाजर मूली कितना काटा जा रहा है, लेकिन इनको मालूम नहीं हम रात की रानी की तरह है, जूही की तरह है। हम मुसलमानों को जितना काटा जाएगा हम रात की रानी की तरह उतने ही महकते रहेंगे, उतने ही बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के तमाम मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहिए? मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मुसलमानों वक्त आ गया है अब एक होने का। मुसलमानों वक्त आ गया है
हम सबको एकजुट बैठ कर सोचने का। और अरब से कहना चाहूंगा, जो खामोश बैठा हुआ अरब, मैं अरब से खास करके कहना चाहूंगा, अरब के सुलेमान मोहम्मद साहब से कहना चाहूंगा कि आप जिस सरजमीन पर हैं, आपको अल्लाह ने जो नवाजा है, रसूलुल्लाह का जो सदका आप लोगों को मिला है, उसको बरकरार रखने के लिए खुदा के लिए फ़लस्तीन के बच्चों पर रहम करिए, फ़लस्तीन की मदद कीजिए, फ़लस्तीन के बच्चों की मदद कीजिए, पूरे दुनिया के रहने वाले मुसलमानों की मदद कीजिए। यही मेरी अल्फाज है कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम तेरे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप न्यूज कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।